भागलपुर से एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें बीपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र के गाड़ी द्वारा सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले एक व्यक्ति को धक्का मारने का मामला दर्ज हुआ है। घायल व्यक्ति कैलाश मंडल है, जो बड़ी अठनिया थाना खरीक नवगछिया जिला भागलपुर के निवासी हैं। दरअसल यह हादसा उस वक्त हुआ जब तिलकामांझी में सड़क किनारे कैलाश सब्जी बेच रहा था। इसी दौरान गाड़ी में विधायक के बेटे और ड्राइवर के मौजूद होने की बात बताई गई है। घटना के बाद घायल व्यक्ति कैलाश मंडल को छोड़कर विधायक का बेटा और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घायल व्यक्ति के परिवार ने जब काफी देर बाद वहां पहुंचकर उसे मायागंज अस्पताल पहुंचाया, तभी उसका इलाज शुरू हुआ। वहीं परिजन एफआईआर दर्ज कराने तिलकामांझी थाना गए, लेकिन वहां के अधिकारियों ने केस लेने से इनकार कर दिया और बरारी थाना क्षेत्र में जाने की बात कही। घायल कैलाश ने बताया कि उन्हें गंभीर चोटें आई है, खासकर कमर के ऊपर वाले हिस्से में। अब सवाल यह उठता है कि क्या विधायक मुआवजा देंगे और पुलिस प्रशासन मामले को गंभीरता से लेगा या नहीं। हम बैठे थे, बगल में सो गए थे, भिंडी का बगल में थे हम, उधर से गाड़ी आया, हमके ऊपर चढ़ा दिया। किसका गाड़ी चढ़ाया, कौन सा गाड़ी? विधायक का गाड़ी है, शैलेंद्र सिंह का। कहाँ का विधायक है? बीपुर विधानसभा। विधायक जी थे गाड़ी पे? नहीं, उसका बेटा था। अच्छा, आप सब्जी बेच रहे थे? हाँ। किस जगह पे? उसी का बागे में, तिलकामांझी में। तो क्यों उतर के चल गए, गाड़ी रुके नहीं? नहीं रुके, मुझे घर दिए तब पीछे कर रहा था, मुंडी लटक गया मेरा, तभी कपाल भंग गया। अच्छा, कुछ बोले नहीं वो? कुछ नहीं बोला, वो चला गया अंदर और गाड़ी उसी का छोड़ कर। बोले ना कि हमारा इलाज करवाइए? कुछ नहीं बोला है। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश मंडल। घर? अठनिया। कौन सा थाना पड़ता है? खरीक। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इलाज कर दे बस। कहाँ कहाँ चोट लगा है? चोट लगा है 15 में, हड्डी टूट गया है, कपाल में लगा है, यहाँ भी लगा है, टांग पे। कहाँ इलाज कराने आए हैं अभी? मायागंज। आप अपने से खुद आए हैं? नहीं, अपने से नहीं, कर कुटुम था, सब लाया उठा पुठा करके गाड़ी में, वहाँ ज्यादा सीरियस थे, दर्द अभी भी है। लोक आस्था के महापर्व 4 दिवसीय छठ का समापन आज उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। जिले के प्रमुख गंगा घाट जैसे बाबा बूढ़ानाथ घाट, एसएम कॉलेज घाट, पुल घाट, बरारी घाट, काली घाट और घरों में बने कृत्रिम घाटों पर श्रद्धालुओं ने अर्घ अर्पण कर पर्व की पूर्णता की। सुबह 4 बजे से ही घाटों पर श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था। छठ घाटों पर विभिन्न सेवा समितियों द्वारा सेवा शिविर भी लगाया गया था, जिसमें श्रद्धालुओं को कच्चा दूध, गंगा जल और अगरबत्ती वितरित की जा रही थी। श्रद्धालु अपने घरों से माथे पर सूप और डाला लेकर छठ घाट पर पहुंच रहे थे, जबकि महिलाएं अर्घ देने की तैयारियों में व्यस्त थी। गौरतलब यह है कि यह 4 दिवसीय छठ महापर्व कद्दू भात के अनुष्ठान से प्रारंभ होता है और उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पण के साथ संपन्न होता है, जो सूर्य देवता की आराधना और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। बिहार और पूर्वांचल में महापर्व छठ का खास महत्व है और इस वर्ष भी यह पर्व उदयमान सूर्य को अर्घदान के साथ समाप्त हुआ। हालांकि इस पर्व के दौरान कई अनोखी और रहस्यमयी परंपराएं देखने को मिलती है। भागलपुर बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के बल्ली कित्ता गांव में एक ऐसी ही परंपरा का उदाहरण देखा गया, जहां महिलाएं हठ योग के अंतर्गत साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में दंडवत होकर छठ घाट तक जाती है। यह कठिन साधना संतान सुख की कामना के लिए भगवान भास्कर और छठी मैया से याचना करने का प्रतीक है। सूर्यमुखी होकर संतान प्राप्ति की इच्छा से महिलाएं छठ पूजा के दौरान विशेष प्रकार की प्रार्थनाएं करती है। मान्यता है कि संतान प्राप्ति के बाद छठ घाट पर ही बच्चे का मुंडन संस्कार करना आवश्यक होता है, जिससे उनका यह संकल्प पूरा माना जाता है। इस प्रकार की परंपराएं सनातन काल से चली आ रही है और मातृत्व तथा संतान सुख की गहन महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। ऐसी प्रथाएं जहां एक ओर भक्तों की भक्ति और तपस्या को दर्शाती है, वहीं समाज में सदियों से चली आ रही परंपराओं और धार्मिक विश्वासों की गहराई को भी उजागर करती है। बल्लीकित्ता गांव की महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए कठिन योग और तपस्या से गुजरती है, जो इस महापर्व के विशेष आकर्षणों में से एक है।
भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ गंगा घाट पर लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का समापन उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित कर हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही घाट पर उमड़ पड़ी थी। स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गंगा घाट का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने छठ पूजा के अवसर पर देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना की। वहीं छठ व्रती महिलाओं ने बताया कि यह पर्व विशेष रूप से संतान की सुख शांति और परिवार की खुशहाली के लिए मनाया जाता है, जिससे वे अपने परिवार के साथ पिछले 20 वर्षों से कर रही है। वहीं गंगा घाट पर छठ पूजा के दौरान भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार नगर परिषद सुल्तानगंज ने घाट पर लाइटिंग, बैरिकेडिंग, माइकिंग और नाव की सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। साथ ही वीडियोग्राफी और सुरक्षा के लिए सीओ, थाना अध्यक्ष और एसडीआरएफ टीम के साथ महिला पुलिस बल भी तैनात थे। वहीं पूरे घाट का वातावरण भक्तिमय और श्रद्धालुओं से भरा हुआ था, जहां सभी ने भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित कर सुख शांति की कामना की। हमारे बिहार में तो ये इतनी अच्छी पर्व है कि इसका तो कोई वर्णन ही नहीं किया जाए। लोग बहुत दूर दूर भी रहते हैं तो उत्साह मनाने के लिए अपने अपने गाँव आते हैं। इस गाँव में इसलिए आते हैं कि यहाँ इतना इस पर्व का यहाँ बहुत वैल्यू है, क्योंकि सीता माता ने इस पर्व को स्टार्ट किया था। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर भागलपुर के नया बाजार सकीचंद घाट रोड पर ओझा परिवार द्वारा विशेष रोशनी और सजावट की व्यवस्था की गई है। यहां रोड दुल्हन की तरह सजी धजी दिख रही थी, साथ ही निशुल्क दूध वितरण की भी व्यवस्था की गई थी। परिवार के सदस्य राकेश कुमार ओझा ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से उनके परिवार द्वारा यह सेवा की जा रही है। वहीं इस वर्ष संध्या अर्घ और सुबह के अर्घ के दौरान कुल 81 किलो दूध का वितरण किया गया। इस सेवा कार्य में ओझा परिवार के कई सदस्यों और सहयोगियों ने भाग लिया, जिसमें युधिष्ठिर ओझा, राकेश कुमार ओझा, रितेश ओझा, राहुल ओझा, सांबवी ओझा, यशराज ओझा, रुद्र ओझा, कुंदन चौबे, पुष्कर चौबे, भाव्या ओझा, आस्था ओझा और शुभम नवेटिया शामिल थे। इस आयोजन ने घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता और उत्सव के माहौल को विशेष बना दिया। भागलपुर जिले के नवगछिया के पकड़ा गांव में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां पूर्व मुखिया घनश्याम कुमार के घर में 8 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया। घटना रात करीब 12 बजे हुई, जब परिवार छठ पूजा की तैयारियों में व्यस्त था। अचानक पूजा रूम से आवाज सुनकर परिवार के लोग चौंक गए और वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल मगरमच्छ अंदर मौजूद है। भयभीत परिवार ने शोर मचाया और तुरंत पूजा रूम का दरवाजा बंद कर स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को सूचित किया। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की 7 सदस्यीय टीम, जिसमें विशेषज्ञ डॉल्फिन मित्र और वर्ल्ड गाइड शामिल थे, मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन रात करीब 2:40 से शुरू हुआ और लगभग आधे घंटे बाद मगरमच्छ को सफलतापूर्वक काबू में कर लिया गया। मगरमच्छ की आंखों पर कपड़ा डालकर और रस्सी बांधकर उसे सुरक्षित वन विभाग कार्यालय ले जाया गया। वन रक्षक अमन कुमार ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान ना तो किसी व्यक्ति को चोटें आई और ना ही मगरमच्छ को कोई हानि पहुंची है। उन्होंने यह भी कहा कि छठ पर्व के चलते घाटों पर लोगों को मगरमच्छ से सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी और पोस्टर के माध्यम से सूचना देने का आग्रह किया गया था। वन विभाग ने बताया कि इस मगरमच्छ को दीपावली के पहले से ट्रैक किया जा रहा था, अब इसे गंगा नदी की मुख्य धारा में छोड़ने के लिए जिला वन अधिकारी के अगले आदेश का इंतजार है।